देखो भाई, कभी कभी ऐसा योग होता है, शायद आपके कुटुंब में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिला होगा कि जब जब घर में कोई सत्कर्म करने का समय आता है, घर में कोई पुण्यमय कार्य करने का समय आता है, घर में कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने वाला रहता है, तो कोई कोई स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होता तो वो रजो धर्म में आ जाती है। तो उसका भी व्याख्यान वर्णन लिखा है किसके लिए, तो कहा कि वो नारी जिसके मुख से अगर कोई घर में धार्मिक कार्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और उसके मुख से अगर एक बार निकल गया कि नहीं अरे ये अभी रेन दो बाद में देखेंगे, तो वो अगर कार्यक्रम होगा भी ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती, वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई, क्योंकि उसके मुख से एक बार निकल गया कि नहीं अभी नहीं, इसको बाद में करा लेंगे, सत्यनारायण जी की कथा बाद में करा लेंगे, भागवत जी बाद में करा लेंगे, शिव पुराण बाद में करा लेंगे, जब समय होगा तब करा सकते हैं, तब देख लेंगे अपन आराम से उसको करवा लेंगे जब मौका, तो वो उसके मुख से जो नहीं निकला है तो वो धार्मिक आयोजन में अगर आ भी जाए, बैठ भी जाए, तो वो नहीं कर सकते, उसका क्रम नहीं बन सकता।